नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम श्री कंठाचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि शैव मत से लिखा गया भाष्य है। इस भाष्य के संदर्भ में हम एक पुस्तक देख रहे हैं जिसमें मूल भाष्य है, और एक पत्रिका देख रहे हैं जिसमें उसका अंग्रेजी में अनुवाद है। तो पहले पुस्तक देख लेते हैं। पुस्तक जो है अभी जो उपलब्ध है वो नाग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित दो खंडों में उपलब्ध है। श्रीमद् श्री कंठाचार्य कृतम ब्रह्मसूत्र भाष्यम, द ब्रह्मसूत्र भाष्य, श्रीमद् अप्पया दीक्षित कृत शिवर्कमणि दीपिका व्याख्या सहितम तरैव प्रणीतया तत्तद अधिकरण पूर्वपक्ष सिद्धांत संग्रह पद्य रूपया नयमणि मालया सनाथी कृतम च। इस पुस्तक में श्री कंठाचार्य के मूल भाष्य के अलावा श्री अप्पया दीक्षित जी का जो शिवर्क मणि दीपिका व्याख्या है उस भाष्य के ऊपर, उसका भी मूल दिया गया है। श्री अप्पया दीक्षित जी का नाम हमने जब श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य को हमने देखा था, जो चौखंबा वाली पुस्तक थी, उसमें भूमिका में जानकारी दी गई थी कि श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर जो श्री वाचस्पति मिश्रा की भामति टीका है उसके ऊपर एक टीका, और उसके ऊपर श्री अप्पया दीक्षित की एक महत्वपूर्ण टीका है। पुस्तक के संपादक श्री हालास्यनाथ शास्त्री जी हैं, जिन्होंने स्वप्रणीतिया चतुर्मत संग्रह रूपया सूत्रार्थ चंद्रिका संयोजिता च। सूत्रार्थ चंद्रिका भी है पुस्तक में, ये भी संस्कृत में ही है। इस पुस्तक को मैंने ढूंढते समय archive.org पर भी एक कॉपी देखी थी, और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम बार जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1909 में, तो शायद निर्णय सागर प्रेस बम्बई ने इसका प्रकाशन किया था। जो दो खंड हैं, प्रथम खंड में 587 587 पृष्ठ हैं, द्वितीय खंड में 507 पृष्ठ हैं, और दोनों खंडों को मिला के मूल्य 2500 रुपये है। पुस्तक खरीदने से पहले मैंने नाग प्रकाशन की वेबसाइट भी चेक की थी। अगर आप गूगल पे नाग पब्लिशर या नाग प्रकाशन सर्च करते हैं तो इन सभी कीवर्ड से रिलेटेड एक ही वेबसाइट खुलती है नाग प्रकाशन की, और उस पर उनकी काफ़ी पुस्तकें लिस्टेड हैं, पुराण इत्यादि जो वो प्रकाशित करते हैं, मगर उस पर ये पुस्तक नहीं है। तो मैंने उनके उस पर जो वेबसाइट पे फ़ोन नंबर दिया है वहाँ भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो ये पुस्तक की प्रकाशन नहीं करते हैं। मैंने उनसे कहा कि पुस्तक तो दो तीन जगह उपलब्ध है, तो उन्होंने कहा कि कोई पुरानी कॉपी उपलब्ध होगी। हालांकि पुस्तक जो मुझे प्राप्त हुई उससे ऐसा देख के नहीं लगा कि ये कोई ज़्यादा पुरानी कॉपी है, और उन्होंने ये भी बताया कि अब वो ब्रह्मसूत्र का 8 भाष्यों के साथ मूल, केवल मूल के साथ एक प्रकाशित करते हैं, जिसका मूल्य कुछ 5-6 हज़ार रुपये। तो ये था पुस्तक। एग्जॉटिक इंडिया और अमेज़ॉन दोनों पे उपलब्ध है। एग्जॉटिक इंडिया पे चूँकि ब्लू डार्ट से शिपिंग है तो मूल्य कुछ शिपिंग चार्जेस अधिक थे, अमेज़ॉन पे शिपिंग चार्जेस कम थे, तो मैंने अमेज़ॉन से ये पुस्तक खरीदी थी। प्रथम खंड आप देख लें, जो प्रिंट क्वालिटी है पुस्तक की वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, देख के ऐसा लगता है जैसे कि किसी स्कैन्ड कॉपी से प्रिंट लिया गया हो, थोड़ा सा धुंधला सा है। द ब्रह्मसूत्र भाष्य ऑफ श्री कंठाचार्य विद द कमेंट्री शिवर्कमणि दीपिका बाई द फेमस अप्पया दीक्षित एडिटेड एंड पब्लिश्ड विथ सूत्रार्थ चंद्रिका बाई पंडित आर हलस्यनाथ शास्त्री। वॉल्यूम 1 है ये, फर्स्ट एडिशन 1909 में, सेकेंड 2019 में, मूल्य 2500 रुपये। यहाँ 2010 लिख दिया गया है, मगर मुझे लगता है 2019 होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय खंड में दोनों पृष्ठों पे 2019 ही हैं यहाँ, जबकि यहाँ 2019 और यहाँ 2010। ये एक संस्कृत में भूमिका दी गई है। श्रीमद् अप्पया दीक्षितेन्द्र विरचित शिवर्क श्री शिवर्क मणि दीपिका व्याख्या सहित श्रीकंठ भाष्य प्रकटनस्य भूमिका, ये श्री हालस्यनाथ शास्त्री द्वारा है। एडिटर्स प्रिफेस अंग्रेजी में यहाँ दिया गया है, मैं पढ़ के आपको सुना दूँ, छोटा सा ही है ये। This work forms the first of the two volumes of Shivarkmani Deepika, Appaya Dikshit's famous commentary on Shrikantha's Bhashya and the Brahma Sutra. Shrikantha's Bhashya, it may be mentioned, constitutes the interpretation of the ancient Brahma Sutras from the Saiv standpoint. The publication of this work was undertaken with a special object, and the immensity of the task had been too much for the unaided labor and resources of any one individual in the position of the editor, but for the eagerness with which the publication was greeted by the public at large and the active encouragement extended by private munificence and state assistance. Shrikantha Bhashya with the lucid commentary of Appaya Dikshit has not been printed before, and the danger was apprehended that in a few years the available manuscripts may completely wither away.
इसके पहले एक वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि एमएस का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। एमएस का अर्थ मैन्यूस्क्रिप्ट ही है। एमएस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कंप्लीटली विदर अवे, दो द एग्जिस्टिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर मोस्टली मॉथ ईटन एंड स्कैटर्ड इन आइसोलेशन एंड ओब्लिवियन ऑल ओवर इंडिया। ज़्यादातर को दीमक खा गए थे और इधर उधर फैले हुए थे पूरे देश में। द एडिटर रिजॉल्व टू स्पेयर नो पेंस इन कलेक्टिंग द अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड बाई प्रिंटिंग इट हैज सॉट टू गिव अ परमानेंट फॉर्म टू अ वर्क विच थ्रेटेंड टू डिसअपियर फ्रॉम द लिटररी एंड रिलीजियस वर्ल्ड विच कुड इल अफोर्ड टू लूज इट। इन दिस स्टुपेंडस अंडरटेकिंग द एडिटर वॉज इनकरेज बाई सब्सटैशियल असिस्टेंस फ्रॉम सच पेट्रियाटिक जेंटलमैन लाइक राव बहादुर एस अप्पू शास्त्रीयार ऑफ कुंभकोणम, हिमसेल्फ अ डिसेंडेंट ऑफ अप्पया दीक्षित, एंड मिस्टर के एस श्रीनिवास पिल्ले ऑफ तांजोर बार। एंड विद द ग्रेटिट्यूड द एडिटर एक्नॉलेजेस द काइंड हेल्प एक्सटेंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कोलोनियल गवर्नमेंट ऑफ सियलोन, द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, द पंजाब, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस, हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ मैसूर, हिज हाइनेस द महाराजा गायकवाड़, हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बनारस, हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ दरभंगा, हिज होलीनेस जगतगुरु महास्वामी ऑफ श्रृंगेरी मठ। द एडिटर्स थैंक्स आर ऑल्सो ड्यू टू द लेट शिवराम सुब्रमण्य शास्त्रीयार ऑफ मदुरा, नीलकंठ वाजपेयार ऑफ थिरुवलंगाडु एंड राव बहादुर अय्या स्वामी शास्त्रीयार ऑफ कुंभकोणम, हु वेर सो काइंड एज टू लेंड देयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंड ऑल्सो टू श्रीला श्री अम्बाला वणा देसिकर पंडारा सन्नधि ऑफ थिरुवाधुताराई अधिनाम, हु असिस्टेड द एडिटर इन हिज वेल नोन मैनिफेसेंस एंड रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। द सेकंड एंड लास्ट वॉल्यूम इज नाउ इन प्रिंट एंड द एडिटर एंटरटेन्स द होप दैट इट विल सक्सेसफुली कैरीड थ्रू विद ग्रेटर एक्सपेडिशन than was possible with the first volume, now that its publication is vouchsafed with the holy auspices of His Holiness Mahaswami of Sringeri Math. तो ये कुछ background था कि किस प्रकार से इस पुस्तक की छपाई हुई। font size जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है। प्रथम खंड में केवल प्रथम अध्याय है, यह विषय सूची है। यहाँ से शिवार्कमणि दीपिका व्याख्या की ये मंगलाचरण है श्री अप्पया दीक्षित द्वारा। देख सकते हैं फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है और हल्का सा धुंधलापन है, और फॉन्ट साइज़ छोटा होने की वजह से भी पढ़ने में कठिनाई आती है। और यहाँ से श्रीमद् श्री कंठाचार्य कृतम ब्रह्मसूत्र भाष्य जो है वो प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर ठीक है, जहाँ छपाई ठीक है वहाँ मूल भाष्य जो है उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, स्पष्ट है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो हल्का धुंधला सा हो जा रहा है। ये मंगलाचरण इंट्रोडक्शन ही है कंठाचार्य द्वारा। और फिर यहाँ से प्रथम सूत्र अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ हो रहा है। अथ जिज्ञासाधिकरणम है प्रथम सूत्र, और आगे अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। और नीचे जो दिया गया है यह जो थोड़े से बड़े फॉन्ट में है, ये श्री कंठाचार्य का भाष्य है, ये जो गहरे फॉन्ट में है, और ये जो है ये श्री अप्पया दीक्षित का की व्याख्या है। ये जो देख रहे हैं बड़े फॉन्ट में ये भाष्य है, और ये श्री अप्पया दीक्षित की शिवर्कमणि दीपिका व्याख्या है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पुस्तक का लेआउट है। केवल मूल संस्कृत उपलब्ध है इसमें, और जहाँ पे एक अधिकरण या पाद खत्म हो रहा है यहाँ सूत्रार्थ चंद्रिका दी गई है। देख सकते हैं इसका फॉन्ट और भी अधिक छोटा है और पढ़ना काफ़ी कठिन है। मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है इसको पढ़ने के लिए, या बहुत ही रोशनी होनी चाहिए। बहुत ही छोटा है, बाकी तो ऐसे स्पष्ट है। कहीं कहीं वो एक वो जो स्कैंड पेज जैसा धुंधलापन शुरुआत में आ जाता है उस तरह का है। यहाँ पर भी वही सूत्रार्थ चंद्रिका दी गई है। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी थोड़ा सा धुंधलापन सा आ जाता है, हल्का नहीं है प्रिंट, हल्का नहीं है लेकिन एक डबल शैडो टाइप। यहाँ कुछ डॉट 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 हैं, तो ये क्या जो व्याख्या थी उसका कुछ अंश है जो मैन्यूस्क्रिप्ट में उपलब्ध नहीं था, यहाँ भी है। इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, शायद यहाँ पे व्याख्या का कुछ हिस्सा जो है वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से ही मिसिंग हो गया था। तो ये प्रथम खंड है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनुक्रमणिका इत्यादि नहीं दी गई है। ये सूत्रार्थ चंद्रिका जो है उस खंड के साथ समाप्त हो रही है। हम द्वितीय खंड देख लें। द्वितीय खंड में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। इसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। 1909-2019 मूल्य, और इसमें केवल विषय सूची दी गई है और फिर सीधा भाष्य और
श्री अप्पया दीक्षित जी की व्याख्या और सूत्रार्थ चंद्रिका यहाँ सबसे छोटे फॉन्ट में वो प्रारंभ हो जा रही है। अब यहाँ देख सकते हैं इतनी छोटी इसका फॉन्ट है और उसमें इंक भी जो है वो हल्का हो गया है, तो इसको पढ़ना बहुत ही कठिन है। जो बिल्कुल ही संस्कृत अच्छे से जानते हैं और बस आउटलाइन देख के भी शब्दों को समझ सकते हैं उनके लिए आसान होगा। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। यहाँ भाष्य समाप्त हो रहा है और जो संशोधन किया गया है, जैसे मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स देखे गए हैं जो हमने भूमिका में देखा, उसमें कहीं कहीं जो भी रेफरेंस उसमें जहाँ जो भी अशुद्धियाँ मिली हैं उसका शुद्धिकरण किया गया है। पृष्ठ संख्या 5 और क्या अशुद्धि थी और उसमें क्या शुद्धिकरण दिया गया है, बस वही है। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई अनुक्रमणिका या अपेंडिक्स इत्यादि इसमें मूल में नहीं दिया गया है। तो इस पुस्तक से, जिसका मूल्य 2500 रुपये है, आप केवल भाष्य का मूल प्राप्त कर सकते हैं और श्री अप्पया दीक्षित की शिवर्कमणि दीपिका व्याख्या। तो अब इस भाष्य को अगर समझना हो जो शैव मत से है, तो इसका अनुवाद तो मैंने जितना भी ढूंढा अभी मुझे हिंदी में या अंग्रेज़ी में और कोई भाषा का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें भी मुझे कोई ऐसा अनुवाद पुस्तक का नहीं मिला। archive.org पे ये एक PDF उपलब्ध है जिसका मैंने प्रिंटआउट निकाल के पढ़ा है। ये एक मैगज़ीन है, द लाइट ऑफ ट्रूथ और सिद्धांत दीपिका, एक मंथली मैगज़ीन है, मंथली जर्नल डिवोटेड टू रिलीजन, फिलॉसफी, लिटरेचर एंड साइंस, जिसका प्रारंभ हुआ था क्वींस कॉमेमोरेशन डे 1897, 20 जून 1897 को 20 जून क्वींस कॉमेमोरेशन डे था। और इस मैगज़ीन के फरवरी 1898 के एडिशन से प्रारंभ हुआ था इसका अनुवाद प्रकाशित होना, और हर मंथ के उसमें थोड़ा थोड़ा करके अधिकरण वाइज, ऐसा नहीं है कहीं कहीं बीच में भी स्प्लिट है, आधा ही अधिकरण आया है फिर आए, मगर मोटा मोटी अधिकरण वाइज 1898 से लगातार बीच में एक आध महीने छोड़ के जब अनुवाद नहीं छपा था, अगस्त 1901 तक मोटा मोटी लगातार हुआ है, एक दो महीनों का गैप है, और उसके बाद एक लंबा गैप होता है और फिर सीधा मई 906 में जाके जो अनुवाद है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है इस मैगज़ीन के एडिशन में। अनुवाद जो है वो हर महीने में श्री ए महादेव शास्त्री जी जो है उन्होंने अनुवाद किया है अंग्रेज़ी में, और मैगज़ीन का अलग अलग एडिशन है, मगर आप पूरा फ्लो में अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल प्रथम अध्याय प्रथम पाद के उसके अनुसार चारों अध्याय चारों पाद अधिकरण वगैरह की जानकारी दी गई है। मूल जो सूत्र है उसका भी अनुवाद दिया गया है और श्रीकंठाचार्य का जो भाष्य है उसका भी अनुवाद दिया गया है। तो यहाँ है, और चूंकि ये आप समझ ही सकते हैं बहुत ही पुरानी मैगज़ीन है जिसका किसी ने स्कैन करके archive.org पर डाला है, तो बहुत सारे ऐसे हिस्से आते हैं जहाँ पे इंक जो है वो बहुत ही हल्का पड़ जाता है, या थोड़ा सा ऐसे जहाँ पे बॉर्डर पड़ा होगा मैगज़ीन का स्कैन करते समय वहाँ थोड़ा सा कट गया है, लेकिन ओवरऑल समझने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। खासकर अगर आपने पहले से कुछ भाष्य पढ़े हुए हैं और आपको ब्रह्मसूत्र का फ़्लो, भाष्यों का फ़्लो, जिस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं उन सब की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो एक ओवरऑल आप मेकआउट कर लेंगे कि कहाँ पे क्या सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ करना कठिन है, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि इससे पढ़ के समझना या वो संभव नहीं है, वो आराम से समझा जा सकता है। और ट्रांसलेशन जो है अंग्रेज़ी में है, लेकिन बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में है। तो इसका कुछ अंश मैं आपको दिखा दूं, जहां से आपको भाष्य के बारे में कि शैव मत से ये भाष्य है तो इसमें क्या मतलब सिद्धांत के बारे में बेसिकली कुछ जानकारी आपसे शेयर कर लूं। हु सुप्रीम ग्रैंडियर इज डिक्लेयर्ड बाई सच चॉइस सिनोनिमस डेजिग्नेशंस अप्लाइड टू हिम एज भाव, शिव, सर्व, पशुपति, परमेश्वर, महादेव, रुद्र, शंभु एंड द लाइक। तो यहाँ भाष्य प्रारंभ होते ही परब्रह्म को जो है वो भाव, शिव, सर्व, पशुपति, परमेश्वर, महादेव, रुद्र, शंभु नाम से संबोधित किया जा रहा है। और इसमें भी जैसा हमने शक्ति भाष्य में देखा था कि चिद अचिद दोनों हैं, तो यहाँ भी चित और अचित दोनों ही अंश माना गया है ब्रह्म में। और ये शिव विशिष्टाद्वैत है, जैसे हमने रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत देखा था, तो ये शैव विशिष्टाद्वैत है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही मिसिंग हो गया है भाष्य का कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत तो मेकआउट किया जा सकता है मगर ये हिस्सा तो संभव नहीं है मेकआउट करना। एक पृष्ठ यहाँ पर स्कैन रिवर्स हो गया है,
लेकिन मिसिंग नहीं है। तो ये पेज नंबर अगर वन इसको माने तो पेज नंबर भी यहाँ से नहीं है, ये तो मैगजीन में जो मंथली मैगजीन है उसका पेज नंबर आ रहा है, अलग से पीडीएफ का पेज नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है, टोटल 241 पृष्ठ है। तो एक पेज नंबर वन अगर ये है, ये जून 1898 का एडिशन का, तो टू यहाँ है, थ्री यहाँ से एक बार फिर से स्कैन हो गया और फिर से थ्री यहाँ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। इसी हर मंथ का जो मैगज़ीन है वैसे आ रहा है। और एक चीज़ और है कि कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे एडिशन हैं मंथली के जहाँ पे आर्टिकल जो है वो पेज के एंड में समाप्त हो रहा है, तो जहाँ एंड में समाप्त हो रहा है वहाँ हमारा भाष्य भी समाप्त हो रहा है, फिर अगले मंथ के एडिशन से भाष्य प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं भाष्य हमारा यहीं समाप्त हो जा रहा है और दूसरा आर्टिकल नीचे से शुरू हो जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना है। ये नहीं कि फ्लो में उसको भी पढ़ गए तो उससे कुछ और ही सब्जेक्ट लगेगा कि आ गया है। यहाँ से देखिए, जैसे सेकंड पाद अधिकरण वन प्रारंभ हो रहा है, अब यहाँ लिखते हैं, नाउ अगेन द नेक्स्ट सेक्शन प्रोसीड्स टू एस्टैब्लिश दैट इवन नारायणा हु इज द उपादान और मटेरियल कॉज ऑफ हिरण्यगर्भ, यानी कि ब्रह्मा जी, द एग्रीगेट ऑफ ऑल जीवास, इज ओनली अ वर्शिपर ऑफ ब्रह्म हु इज अबव ऑल यूनिवर्स बट नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पर परब्रह्म शिव को माना गया है और निमित्त और उपादान कारण दोनों वही हैं, लेकिन फिर उनके और ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ के बीच में नारायण आते हैं और फिर नारायण से हिरण्यगर्भ आते हैं, तो वो यहाँ बताया गया। अब यहाँ पे भागवत शब्द को शंकर भगवान से रिलेट किया गया है, ही मे बिकम With evil, the word Bhagwat, blessed Lord, has been need in each case, thus showing that he is always endued with the excellent divine attributes of lordship and so on. Wherefore, it is but right to hold that Shiva, the supreme Lord, is superior to all, and is the Atman of all. फिर यहाँ, from this we learn that Maya, the prakriti, material cause of all. That Maheshwara is the being endued with it and that the whole universe is pervaded by his limb or by a portion of himself, by a piece of his sentient energy, yani ki chit, which when regarded as the enjoyer is known by the name of Purusha. Purusha ko yahan kahin kahin jeev bhi aap samajh sakte hain. And accordingly, Shruti describes Ishwara to be Purusha himself in the following words. Aur fir aage uski vyakhya di gayi hai. The treat of Shiva the Parmeshwara associated with Uma, who as the Atman of all is being denoted by several designations such as Brahma and Vishnu, who is omniscient and omnipotent, who is above all, whose glory is unequaled, the being to whom the name Brahma can be equally applied and who forms the final import of all Vedantic texts interpreted in harmony with each other. As to the declaration in the preceding adhyaya of the Vishisht Shiva Dvait or the unity of the conditioned Shiva as based on the ground that Shiva without a second associated with sentient and insentient universe is himself cause and effect, a doubt arises as to whether this idea of unity derived by an exegetical interpretation of the Vedantic text will have to be set aside as opposed to reason. So, ye Vishisht Shiva Dvait Sri Kanthacharya ka jo bhashya hai, phir yahan bhi Vishisht Advait ka का एक उल्लेख आता है, वी डू नॉट एस्टैब्लिश दैट सॉर्ट ऑफ विशिष्ट अद्वैत विच टेक्स द फॉर्म ऑफ डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी, वी आर नॉट द एडवोकेट्स ऑफ एन एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रह्म एंड द यूनिवर्स एज बिटवीन अ पॉट एंड अ क्लॉथ बिकॉज ऑफ इट्स अपोजिशन टू द श्रुति डिक्लेयरिंग दैट दे आर नॉट क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ भी क्योंकि हर जगह पे पर ब्रह्म को पति कहा गया है, जीव को पशु कहा गया है और वो मोह जो है उससे पाश में बंधे हुए हैं, तो पशुपत, और बाकी भाषाओं में देखेंगे तो वहाँ पाशुपत मत का ही की आलोचना की गई है, तो यहाँ भी चूँकि पशु और पति समझ के ऐसा ही लगेगा कि ये भी पाशुपत मत है, लेकिन उसको यहाँ पे तांत्रिक मत कहा गया है और उसमें चूँकि
यहाँ उपादान कारण नहीं माना गया है शिव को, केवल निमित्त कारण माना गया है, तो उस आधार पर उसकी भी यहाँ आलोचना की गई है। लेकिन उसको यहाँ पाशुपात मत नहीं कहा गया है, क्योंकि इस पूरे भाष्य में पति, पशु और पाश ये तो आता ही है, पर ब्रह्म जीव और जीव का जो बंधन है उसके संदर्भ में। तो द तांत्रिकास, द सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स, दोज हु प्रोफेस टू फॉलो द परमेश्वराज आगमास, यानी कि शैव आगम, विदाउट नोइंग द रियल इम्पोर्ट ऑफ द टीचिंग, होल्ड दैट पति द परमेश्वर इज अ मियर एफिशियंट कॉज, यानी कि निमित्त कारण है, केवल उपादान कारण नहीं है। तो उस आधार पर उसकी भी आलोचना इस भाष्य में की गई है। अब यहाँ जीव के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा आता है भाष्य में। द जीवात्मन इज इंडीड एन अंश ऑफ परमेश्वरा, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज बॉडी, एज द श्रुति डिक्लेयर्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम इन द फॉलोइंग पैसेजेस। फिर यहाँ अंतर बताया गया है जीवात्मा और परमात्मा। तृतीय अध्याय देखिए, यहाँ पे ये आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहीं पे तृतीय अध्याय प्रारंभ करके यहाँ खत्म कर दिया गया है, और दूसरा आर्टिकल प्रारंभ हो रहा है अगर उसी एडिशन के अंदर, तो जहाँ भी खत्म हो रहा है वहाँ नीचे पे ए महादेव शास्त्री इनका नाम लिख के आ रहा है हर एडिशन के अंत में, और टू बी कंटिन्यूड एक ऐसे लिख के आता है। जैसे ये देखिए, ये एक एडिशन, ये नवंबर 1899 का में जो अंश छपा था वो आया, तो इसमें जहाँ भाष्य खत्म हो रहा है वहाँ पे ए महादेव शास्त्री बी ए और फिर टू बी कंटिन्यूड लिख के आ रहा है। बिकॉज ऑफ द इनसेपरेबिलिटी ऑफ द उपादान फ्रॉम द इफिशियंट कॉज, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इफिशियंट कॉज आर अप्लाइड टू द उपादान, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नथिंग इक्वल और सुपीरियर टू परमेश्वर। फिर यहाँ और कुछ सिद्धांत के बारे में जानकारी है। When the Shruti describes Brahma as one who is without parts, who is without actions, it is only the evil attributes that are denied, but not the auspicious qualities. यानी कि नेति नेति करके केवल evil attributes को deny किया जाता है, auspicious qualities को नहीं। ये भी विशिष्ट अद्वैत से ही संबंधित सिद्धांत है, जो कि हमें रामानुजाचार्य के भाष्य में भी दिखता है। यहाँ भी ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है, ब्रह्म बोथ एज अनकंडीशनड एंड कंडीशनड, एज निर्गुण एंड सगुण, दोनों निर्गुण भी हैं सगुण भी। अब यहाँ देखिए, ये पूरा एक कॉलम ही आधा कट गया है, लेकिन अगर आपने पहले भाष्य पढ़े हैं और ये सूत्र आपको पता चल गया कि किस बारे में है, तो ये पूरा समझ में आ जाता है, ये आधा लाइन भी पढ़ के, कि यहाँ जो वो उच्छिष्ट अन्न खाने को लेकर है कि भाई ऑल फूड सर्वभक्षण किया जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर है कि उन्होंने उच्छिष्ट उरद खा लिए थे लेकिन जल ग्रहण करने से मना कर दिया था, वही वाला प्रकरण जो है वो यहाँ पे बताया गया है। हालांकि ये पूरा आधा कॉलम जो है वो कट जा रहा है। फिर यहाँ बीच में दो चार एडिशन आते हैं जहाँ पे पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ देखिए, लाइट का एल ही पूरा कट गया है, इसका मतलब यहाँ पर करीब दो तीन अक्षर जो हैं वो कट गए हैं। तो इन कुछ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कट गया है, तो थोड़ा सा समझना पढ़ना इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अब उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोई पब्लिशर जो है इस टेक्स्ट को लेके किसी अभी पुस्तक में छापते नहीं हैं, तब तक तो यही उपलब्ध है पाठकों के पास पढ़ने और समझने के लिए। Therefore, those who observe the Pashupat Vrat, the end of life, in the end of life, attain to nothing short of mukti. तो यहाँ पाशुपत व्रत की बात हो रही है, और एक और आश्रम की यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि उसको आश्रम कहा नहीं गया है, जो आश्रमों के बारे में ब्रह्मसूत्र में चर्चा है, कि द पाशुपत आश्रम, दो नॉट एग्जिबिटिंग इट सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट आश्रम, इज स्टिल एन आश्रम बाई इट सेल्फ, नोन एज अत्य आश्रम और द ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर। और फिर उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ देखिए, एक नया एडिशन आ गया है, द वेदांत सूत्र और श्रीकंठ भाष्य, एक हेडिंग आया है, लेकिन अभी तक हम जिस तरह से देख रहे थे मैगजीन का पूरा हेडिंग, वो यहाँ पे मिसिंग है, वो यहाँ पे नहीं। कुछ और सिद्धांत के बारे में, नो डाउट द सुप्रीम ब्रह्म कॉल्ड शिव इज सुपीरियर टू द जीवा, स्टिल द वर्शिपर शुड मेडिटेट हिम दस आई एम ब्रह्म। फिर मुक्ति क्या है, सडनली मुक्ति और लिबरेशन कंसिस्ट इन अटेनिंग द स्टेट ऑफ शिवा, दैट द स्टेट विच इज फुल ऑफ अनलिमिटेड सुप्रीम ब्लिस एंड फ्री फ्रॉम ऑल टेंट। अब यहाँ से मैगजीन का लेआउट बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है, जहाँ पे हम 1901 तक तो आ रहे हैं, फिर यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद वाले एडिशन का डेट लिखा हुआ है,
और ये एक एग्जाम्पल है जो दूसरा आर्टिकल पर आरंभ हो रहा है। देखिए इस कॉलम में ए महादेव शास्त्री टू बी कंटिन्यूड आ गया, फिर एक दूसरी हेडिंग आ जाती है शिवागनना सिद्धियार, और उसका इतना सा अंश इस पेज में आ गया है क्योंकि स्कैन की वजह से एक ही पेज पे थे दोनों आर्टिकल। फिर यहाँ से लेआउट चेंज हो जा रहा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी 1906 का है, और यहाँ पर अब फिर फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो कहीं प्रिंट हल्का भी है तो भी पढ़ना और समझना कि क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मगर ये चतुर्थ अध्याय के ही अंत के पाद में है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताया गया है जो सिद्धांत है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर। द श्रुति इट्सेल्फ डिस्टिंग्विशेस द थ्री, ब्रह्म हु इज अबव ऑल, यानी कि यहाँ पर शिव, विष्णु हु इज एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्म एंड हु इज द मटीरियल कॉज उपादान, एंड हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा जी हु इज इवॉल्व्ड फ्रॉम विष्णु फ्रॉम अनदर फ्रॉम वन अनदर एज द पैसेजेस लाइक द फॉलोइंग शो। इसी संदर्भ में आगे भी कुछ दिए गया है। Does the Smriti teaches that those who worship Vishnu reach first the world of Vishnu and then after some interval attain the abode of Shiva। चतुर्थ अध्याय का चौथा पाद जो कि अंतिम है, और फिर यहाँ पर देखिए इसमें जो है 1906 के ये कौन सा एडिशन है जो आखिरी है, शायद मई 1906 ही है या अगस्त 1906 है, तो ये बीच में 3-4 साल का गैप हो गया था, वो सितंबर 1906 में समाप्त होता है और 1858 में प्रारंभ हुआ था, फरवरी 1858, और यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड नहीं, यहाँ फिनिश लिखा हुआ है, और ये लास्ट में जो है अक्टूबर 1906 में एक भूमिका एक तरह से दी गई है, वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ, उसी समय की भूमिका है ये 1906 की लिखी हुई। श्रीकंठ भाष्य एंड द सिद्धांत शास्त्रस, सिद्धांत शास्त्रस भी इसी पत्रिका में प्रकाशित हो रहे थे, तो दोनों का एक साथ ही है ये, इस पुस्तक में सिद्धांत शास्त्र नहीं है, जैसा मुझे समझ में आया कि सिद्धांत शास्त्र कुछ और किसी और लेखनी का रेफरेंस है। इट इज़ विद ग्रेट प्लेजर वी रिकॉर्ड द फैक्ट दैट द श्रीकंठ भाष्यम ऑन द वेदांत सूत्रस वॉज फिनिश्ड इन द लास्ट नंबर ऑफ दिस मैगजीन। आवर बेस्ट थैंक्स आर ड्यू टू मिस्टर महादेव शास्त्रिया फॉर हिज वेरी एबल एंड स्कॉलरली ट्रांसलेशन। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रांसलेशन कैन इन नो वे बी ओवर एस्टिमेटेड वेन एज इज वेल नोन दिस भाष्य इज द अर्लीस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कमेंट्रीज ऑन द शारीरिक मीमांसा सूत्र ऑफ श्री बादरायणा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो भाष्य है वो है अर्लीस्ट भाष्य उपलब्ध। जब हमने निम्बर्काचार्य का भाष्य देखा था तो वो भी पीठ निम्बार्क पीठ का ही अनुवाद था, तो उसमें भी उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी जो निम्बर्काचार्य का भाष्य है वो सबसे प्राचीन भाष्य है, और इसका सोर्स ये बता रहे हैं वाइट द आर्टिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रह्म विद्या ऑफ द लेट पंडित श्रीनिवासा दीक्षित यार पेज 215 वॉल्यूम 2 ऑफ दिस मैगजीन। इसी मैगजीन में कोई लेख छपा था जिसमें यह स्थापित किया गया था कि यह भाष्य सबसे पुराना है। ही वॉज एन एल्डरली कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ श्री शंकरा, ये श्रीकंठाचार्य की बात हो रही है, एंड नियरली ऑल द लाइफ्स ऑफ श्री शंकरा रेफर टू श्री श्रीकंठ और नीलकंठ। वेरी लिटिल इंडीड इज नोन ऑफ हिम बिसाइज दैट ही वॉज ए नेटिव ऑफ सदर्न इंडिया। ही इज सेड टू हैव कंपोज्ड कमेंट्रीज ऑन द उपनिषद्स एंड ऑन द गीता, बट एक्सेप्ट स्कैटर्ड पोर्शंस हियर एंड देयर द फुल कमेंट्री इज नॉट येट अवेलेबल। अमंग हिज फॉलोअर्स वेर द ग्रेट हरदत्त एंड अपया दीक्षित। अपया दीक्षित मैग्नम ओपस वॉज हिज वृत्ति ऑन श्रीकंठ भाष्य कॉल्ड शिवर्कमणि दीपिका, जो अभी हमने मूल्य जिसका देखा नाग प्रकाशन की पुस्तक में, विच इज बिंग नाउ इशूड इन पार्ट्स बाई हलस्यनाथ शास्त्रियर ऑफ कुंभकाउं। तो जो संपादक हैं उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। बिंग द अर्लीस्ट श्रीकंठ भाष्य शुड बी ऑफ द हाइएस्ट वैल्यू फॉर हिस्टोरिकल पर्पसेज, स्पेशली इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन एज टू वॉट वॉज द ट्रू मीनिंग ऑफ बादरायणा हिमसेल्फ। इट मस्ट स्ट्राइक एवरी इम्पार्शियल रीडर दैट दो ही वॉज अ शैव एंड अ बिलीवर इन द शैव आगमास ही रेयरली ऑब्ट्रूड्स हिज ओन व्यूज, बट विथ रेयर फिडेलिटी एंड ऑनेस्टी विच इज हाईली कमेंडेबल ही स्टिक्स टू द टेक्स्ट एंड जस्ट ब्रिंग्स आउट इट्स लीडिंग आइडिया। हिज स्टाइल इज वेरी टर्स एंड सिंपल अवॉइडिंग ऑल प्रोलिक्सिटी। नियरली ऑल द सिद्धांत राइटर्स हैव ड्रॉन अपॉन हिज commentary in the elucidation of their doctrines, and as we have elsewhere pointed, there is essential unity between the Vedanta as expounded by Srikantha and the Siddhanta, and the distinction between the two is one without a difference, and so the whole philosophy is called Vedanta Siddhanta Samarasa. Every European scholar and Christian missionary who has studied the system carefully has been struck with its eclectic character and its essential agreement with Christianity. As the world is very largely Christian, those who have the interests of the ancient Indian national philosophy at heart will see the importance. May the necessity of spreading a knowledge of this samsara philosophy, samrasa philosophy among the Christian nations. We do not desire the conversion of the Christian world, but what we want is that they should not look down upon us as the perishing heathen, and that in course of time they should come to appreciate our truths and love and respect us. If this
एंड कैन इफ दिस एंड कैन पॉसिबली बी अचीव नथिंग कैन टेंड टू द ग्रेटर ग्रेटर ग्लोरी ऑफ ईदर रिलीजन. इट विल बी नोन दैट इट वॉज लिटिल मोर देन 10 years अगो दैट मिस्टर नालास्वामी पिल्लई पब्लिश्ड हिज ट्रांसलेशंस ऑफ शिवागनंद बोधम एंड तिरुवरुत्पयम एंड सिंस देन he has been systematically and unflinchingly working hard in this field and the pages of this magazine will bear ample testimony to the bulk of the translations nearly all the leading articles and reviews and literary contributions have been contributed by him and that by these means he has well succeeded in disseminating a knowledge of his samaras gyan and is creating a taste for tamil literature goes without saying acting on a suggestion thrown out by mr r w fraser and the reverend dr g u pope should bring out an edition of the Siddhanta works. तो ये जो दूसरे वर्क की मैं बात कर रहा था, अब यहाँ तक श्रीकंठ भाषी की बात हो रही है, फिर उसकी चर्चा होगी. We have communicated with a veteran Tamil scholar and we are happy to state that he has kindly consented to issue an edition of Mr. Nallaswamy Pillai's work together with Shiva Prakasham, which he hopes to complete and the Srikanth Bhashya. This will be issued in 2 volumes uniform with Dr. Pope Tiruvachakam and will be priced at 15 rupees. Both volumes to subscribers will register their names before the 31st December 1906. We honestly hope that our proposal will meet with ready acceptance by the public. तो शायद पुस्तक रूप में इसका कुछ प्रकाशन हुआ हो जो कि अभी उपलब्ध नहीं है. अगर है तो मुझे मिली नहीं. तो ये थी कुछ जानकारी कंठाचार्य के शैव मत के अनुसार ब्रह्मसूत्र के भाष्य की. इस पुस्तक के परचेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस मैगज़ीन का जो archive.org का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.